आज एक एक्शन जैम पैक डे था T20 वर्ल्ड कप 2024 में। चार मैचेस थे, दो मैचेस जो हैं वो खेले जा चुके हैं, दो मैचेस जो हैं वो अभी होने हैं। जो खेले जा चुके हैं मैचेस उनके बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, अगर ये नाम सुने दोनों टीम्स के तो कोई भी सोचेगा कि यार न्यूजीलैंड थोड़ी हैवी वेट है, वो जीत जाएगी। बट अफगानिस्तान इज डूइंग ग्रेट इन दिस वर्ल्ड कप। दे हैव वन टू ऑफ दीज गेम्स, जो उन्होंने दो गेम्स खेली वो दोनों ने जीती हैं। पहला मैच उन्होंने 125 रन से जीता और जो आज का मैच है उन्होंने 84 रन से जीता। तो एक पूरी मुकम्मल कहना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव विन मिल रही है अफगानिस्तान को। इसी मैच से बात करेंगे। सलीम भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। अफगानिस्तान इतना अच्छा कर रहे हैं इस वर्ल्ड कप में, हमने देखा लास्ट वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छा किया, बहुत क्लोज मैचेस लेके गए। पाकिस्तान तो को तो उन्होंने हरा दिया था, इंग्लैंड को उन्होंने हराया था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल जो थे वो बस डटे रहे थे, मैच बचा के ले गए थे। बट दिस अफगानिस्तान टीम इज डूइंग ग्रेट। देखें, ये वह टीम है जो आपको नज़र आएगी डे बाय डे ये बेहतर होती जा रही है। और इसमें जो इनकी कमज़ोरियाँ थी ना, जो हम बार बार बात करते थे कि इनका स्पिन अटैक बड़ा अच्छा है जी, ये स्पिन से जीतते हैं। इनकी बैटिंग जो है वो इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप देखें पिछले साल से जो वर्ल्ड कप हुआ उसके बाद इन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई और डे बाई डे ये इम्प्रूव करते जा रहे हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। फास्ट बॉलिंग इनकी हम समझते थे कि शायद इतनी नहीं है, मगर ये फजले जो हक है इसने, आप देखें पिछले मैच में 5 आउट किए, इसमें 4 आउट किए। और इसमें सबसे खूबसूरती ये थी इसकी कि मैंने इसका वो स्पेल देखा है जो इसने शुरू में किया, मैं थोड़ा सा मैच मैंने देखा, इसने अपनी लिमिटेशन से बाहर नहीं गया। इसने, इसकी खूबसूरती ये है कि ये इन स्विंग भी करता है और आउट दोनों स्विंग करता है। और इनजी इसका बड़ा अच्छा मूव, इसका इन स्विंग भी बड़ा अच्छा इसने किया और आउट स्विंग भी इसने बड़ी अच्छी की। और इसने कोई, आप ये चीज़ देखें, इसने कोई बाउंसर नहीं मारा, कोई शॉर्ट पिच नहीं की, सिर्फ ला के लाइन पे ये इन स्विंग करता रहा। पहले बॉल पे इसने बोल्ड किया और क्या खूबसूरत अंदर आई बॉल। और दूसरी बात ये, इसकी मैं कप्तान को अप्रिशिएट करूँगा राशिद को, कि उसने नॉर्मली क्या होता है कि आप ना दो ओवर करवाने के बाद ना, ये एक ओवर करवाने के बाद बॉलर चेंज कर देते हैं आप, नॉर्मली देखिएगा फोर डे में कि यार आखिरी ओवर में इसको ओवर करवाएंगे। चूंकि उसने दो आउट किए थे दो ओवरों में, उसने तीसरा ओवर भी इससे करवाया और तीसरे ओवर में भी इसने आउट किया और उसने सबसे उसको मिचेल को आउट किया जी। और मतलब जो टॉप के तीन बैट्समैन थे इसने आउट कर दिया। तो इसने आसानी कर दी अफगानिस्तान के लिए इतनी कि वो उनके जो नीचे उनकी जो असल स्ट्रेंथ थी जी, स्पिनर, फिर वो राशिद से कहाँ पड़ा। देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो आपके साथ बड़ी होती हैं, तो आपको ना पता नहीं चलता कि ये भी बड़े हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल है हमें रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि अफगानिस्तान एक बहुत ऐसी टीम है जो अब बड़ी हो चुकी है। इंजी भाई, अफगानिस्तान के साथ आपने काम किया हुआ, कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस टीम को डिफरेंट बनाती है? हमने बात की है, आपने बताया था कि इनका एक तो जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो अच्छा है, जो अपने इनके लोकल प्लेयर्स हैं उनका इंटरेस्ट है। हम देखते हैं कि वो बांग्लादेश में भी है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो खुद अपने लड़कों को निकालते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, वो लड़के टीम में होते हैं। बट हमने देखा है कि बांग्लादेश का अगर हम कंपैरिजन करें अफगानिस्तान से, तो बांग्लादेश इतना अच्छा नहीं कर पाई है। आज का मैच जीते हैं बट मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, लेकिन अफगानिस्तान बहुत ही अच्छा कर रही है। अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो एक एक अफगानी प्लेयर में तीन तीन बंगाली निकल आएंगे, कि जिस तरह वो लंबे चौड़े हैं, जो तगड़े हैं, जिस तरह सो कंपैरिजन दोनों का बनता नहीं है क्योंकि जी जिस तरह। और दूसरी चीज़ ये कि देखो ये भी एक फैक्टर है जी, कि आप है ना स्ट्रांग है, आप जानदार लोग हैं और T20 में बैटिंग के लिए ना आपको जान की जरूरत पड़ती है। तो ये क्योंकि वो पहाड़ वगैरह है ना, ये नेच जिस तरह वेस्ट इंडीज के एक टाइम प्लेयर होते थे ना स्लीम, देखो वो सारी जो उनसे अपनी क्रिकेट है ना वो खेलते थे रेत पे, समंदर है ना वहाँ सारा जी जी। तो वो उनकी बॉडी नेचुरल जो भी होगा ना, प्लेयर्स के अलावा जो भी होगा उसकी बॉडी बनी हुई होती थी वो नेचुरल, जिस तरह ही वो इस चीज़ पे मेहनत करते थे, थोड़ा सा टैलेंट होता था, वो एकदम बहुत आगे निकल जाते थे। तो ये है, ये अगवानियों में भी ये है कि ये स्ट्रांग है कि जी इस सारी चीज़ों से। तो एक तो ये वाली चीज़ है, दूसरी चीज़ ये कि ये सारे लोग हैं ना
ये जितने भी लोग हैं ये सारे, अगर ये माने या ना माने इस चीज़ पे, लेकिन ये सारी क्रिकेट पाकिस्तान में खेलने हैं, ठीक है, सब क्रिकेट पाकिस्तान में खेलने हैं, तो इसलिए भी ये अच्छे हैं। अब इनके पास जो कमी थी ना, वो सिर्फ एक्सपोजर की कमी थी जी, कि इनको ये वाला एक्सपोजर से क्या हुआ कि इन्हें बिलीव आया कि हम हरा सकते हैं लोगों को। जिस टाइम ये वाला बिलीव आ गया ना इनको, तो रिजल्ट इनके चेंज होने शुरू हो गए हैं, ठीक है जी, पहले से बेहतर होने शुरू हो गए रिजल्ट। अभी भी ये मैं कहूँगा कि जी अगर इनका स्कोर कार्ड पिछले दोनों मैचों का देखा जाए ना, अभी इनके पिछले मैच में भी इनके ओपनर्स ने रन्स किए थे, इसमें भी ओपनर्स ने रन्स किए, और नीचे का अगर आप देखेंगे ना तो कोई अभी इतना नहीं है कि अभी ज़रा शुरू हुआ है, बिल्कुल ठीक है ना। तो लेकिन ये कि जी इनकी इम्प्रूवमेंट बहुत है, इनके बॉलर्स हैं ना, इनके जो स्पिनर्स हैं, और अब ये कि जी फास्ट बॉलिंग में अगर आप सिर्फ ये नाम ले रहे हैं ना हम फजल फारूकी का, कि इसने तो नो आउट कर दिए, लेकिन दूसरा बॉलर जो इनका नवीदुल हक है जी, उसने भी है ना चार ओवरों में 10 रन दे रखे हैं, वो भी है ना कंटेन कर रहा है, तो बॉलिंग है ना इनका जो यूनिट है ना वो बड़ा खतरनाक बन गया है, तो वो कोई भी रन डिफेंड कर रहा है कि जी इस रन को हम डिफेंड कर लेंगे, तो ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। इंजी भाई ने बड़ी अच्छी बात की है कि उनके टॉप ऑर्डर जो है हम देख रहे हैं, ओपनर्स जो हैं लास्ट मैच में भी उन्होंने रन्स कर दिए, इस मैच में भी अगर हम देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने 80 रन स्कोर किए हैं, इब्राहिम ज़ादरान ने 44 किए हैं, तो क्या इनके लिए मुश्किल पेश आ सकती है जब नीचे वालों को बैट करना पड़ जाएगा अगर ऊपर से जल्दी विकेट्स गिर गई तो? वैसे इनके इस ग्रुप में कोई बहुत मुश्किल मैच बचे नहीं है, वेस्ट इंडीज़ के साथ शायद मुकाबला सख्त हो जाए थोड़ा। देखें इनकी जो ना ओवरऑल अगर आप बैटिंग देखें तो इनके नीचे भी बैट्समैन बुरे नहीं हैं, चूँकि ये दोनों मैचों में वो ऊपर से बारी नहीं आ रही जी, तो फिर आपको नीचे से आके हिटें मारनी होती हैं ना। अगर मे भी अगर एक्सपोज हो सकते हैं अगर अर्ली विकेट्स गिरे, मगर बात ये है कि इनके ओपनर्स हर मैच में आप देखो कि बहुत अच्छा इनको स्टार्ट दे रहे हैं, जो कि इस टूर्नामेंट किसी भी टूर्नामेंट में आपका अगर स्टार्ट अच्छा होता है तो आपकी नीचे से बैटिंग फिर वैसे ही आके आपने तो हिट ही मार दिया, प्रेशर खत्म हो गया ना, प्रेशर खत्म कर दिया आप, जैसे इसने उसके अटैक ने 3 आउट ऊपर के टॉप बैट्समैन आउट कर दिए, तो नीचे से तो उन्होंने राशिद ने तो वैसे ही वो मुश्किल बॉलर है जी। तो ये बात ये है कि इनकी, मैं वही बात कर रहा था कि डे बाई डे इनकी टीम इम्प्रूव कर रही है, जैसे इंजी ने कहा ना कि इनको कॉन्फिडेंस आ गया है, बिलीव आ गया है कि हम जीत सकते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है अब, और मेरा ख्याल है बाकी टीमों के लिए मुश्किल बहुत खतरे की घंटी है ज़रा। न्यूजीलैंड ने क्या गलत किया है आज के मैच पे, आज के मैच में उस पर हमने बात करनी है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम अफगानिस्तान की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे।